में सचिन जी के साथ गांव गांव गली गली सारा वो किया है। लेकिन यहाँ जो नारे लग रहे हैं, आप सहमत हैं इससे, मुख्यमंत्री पद की मांग? बिल्कुल, युवाएं महिलाएं जन जन ये चाहते हैं कि आज सचिन जी सीएम बने। लेकिन अशोक गहलोत भी तो आपके काफी सीनियर लीडर हैं, वो क्यों नहीं बने? बहुत मेहनत की है, बहुत कुछ किया, हम चाहते हैं वो और भी ऊपर पहुंचे। पर सचिन जी जन जन की आज मांग है कि सचिन जी जब सचिन पायलट किशोर देखिए बड़ा दिलचस्प है, चाहते हैं कि अशोक गहलोत और ऊपर पहुंचे, मतलब सेंटर में चले जाएं, लेकिन यहाँ सचिन पायलट सीएम बने। तो आप लोग सचिन पायलट के लिए डिमांड कर रहे हैं, ये तो पहले तो सारे नेता ये कह रहे थे, सबने मिलकर लड़ाई लड़ी है, अशोक गहलोत भी रेस में है, सचिन पायलट भी रेस में, आज भी यही बात कह रहे हैं कि सबने मिलकर लड़ाई लड़ी है, तभी आज हम सारी जगह पे बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन जब सचिन पायलट साहब को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तो उनके हमारे पास सिर्फ मात्र 21 सीटें थी, हमने गांव गांव ढाणी राडियो में जाकर और आज कांग्रेस को मजबूत किया है, तो हम चाहते हैं कि अब पायलट साहब के नेतृत्व में कांग्रेस वो लेकर के आए हैं। और किशोर लेकिन दिलचस्प ये बात बता दूं कि अगर आंकड़ों की दृष्टि से इसको समझिएगा कि अगर 120 के आसपास या उससे कम सीटें रहती हैं तो यहाँ पर थोड़ी मायूसी रहेगी, उससे अगर ऊपर जाती है तो इनको लगता है कि सीधे हाईकमांड से आदेश आने वाला है और सचिन पायलट की किस्मत उसमें खुल जाएगी। तो इस लिहाज से यहाँ पर कम से कम जश्न का माहौल है, मानो सचिन पायलट सीएम डिक्लेयर होने वाले हो, ऐसा यहाँ नहीं नहीं ये बात आपने बहुत बहुत पते की बात कही अनुराग, कि अगर 120 से ज्यादा सीटें रहती हैं तो सचिन पायलट का पलड़ा भारी है, लेकिन अगर मेजोरिटी बहुत स्लिम रहती है जैसा कि अभी दिख रही है तो अशोक गहलोत का पलड़ा भारी है। तो अभी तो 101 सीट पर ही आगे दिख रही है कांग्रेस, 199 में 100 सीट का बहुमत है, सिर्फ 101 पर कांग्रेस आगे है, तो उस अगर वो आंकलन देखा जाए तो अशोक गहलोत का पलड़ा भारी दिख रहा है। 120 पर तो अभी राजस्थान में कांग्रेस नहीं दिख रही है। डिप्टी सीएम की पोस्ट खाली रहती है हमेशा, डिप्टी सीएम के सचिन पायलट बनेंगे अशोक गहलोत के, खैर ये तो बहुत ही लंबी वाली पतंग हो जाएगी उड़ाने के लिए अमिताभ, अभी नहीं उड़ाते हैं, अभी तो मध्य प्रदेश पर सबकी नजर है। हमारे साथ बीजेपी से अरुण सिंह साहब जुड़ रहे हैं। अरुण जी क्या हो गया, ये 3-0 होता दिख रहा है कांग्रेस के फेवर में? नहीं ऐसा नहीं है, पहले मध्य प्रदेश में हम सरकार अवश्य रूप से बनाएंगे और अभी तो 1-2 राउंड ही काउंटिंग हुई है, लेकिन मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा काम हुआ, हम सरकार बनाएंगे। जहाँ तक छत्तीसगढ़ का सवाल है, छत्तीसगढ़ में पहले भी वोट परसेंट 1 से कम ही रहा है डिफरेंस, और 0.7% पिछली बार डिफरेंस रहा है। पिछली बार अगर देखें चुनाव तो पूरा नतीजा आने दीजिए, पूरी काउंटिंग होने दीजिए, वहाँ भी हमारी स्थिति बहुत अच्छी है और राजस्थान में भी कड़ी टक्कर है। अरुण सिंह जी आंकड़े बिल्कुल उलट बता रहे हैं इससे जो आप बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं छत्तीसगढ़ में स्थिति अच्छी है कांटे और राजस्थान में कांटे की टक्कर है, मध्य प्रदेश में हम सरकार बनाएंगे, ये तीनों चीजें कांग्रेस कह सकती है, आप अभी इस स्थिति में नहीं कह सकते जो आंकड़े हैं? नहीं नहीं अगर पिछली बार भी देखें, पिछली बार भी जब काउंटिंग चल रहा था छत्तीसगढ़ में पहले हम 10 सीट से पीछे थे जी, उसके बाद 10 सीट सीधे बढ़ गए और कांग्रेस 39 पे आ गए, हम 49 पे आ गए। हाँ। और 0.7% का ही छत्तीसगढ़ में डिफरेंस था, केवल 0.7%। जब 1% से कम का डिफरेंस वोट मध्य प्रदेश में होता है तो कुछ भी कहना एक तरफा कि असंभव हो जाता है कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। पूरा नतीजा आने दीजिए, मुझको लगता है कि अभी 2 ही राउंड की काउंटिंग हुई है, पूरी काउंटिंग होने के बाद अवश्य रूप से हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए चलिए प्रतीक त्रिवेदी के पास चलते हैं, वो तीनों राज्यों में गए और तीनों राज्यों का उन्होंने माहौल देखा और अब उनके नतीजे देख रहे हैं, पब्लिक उनके साथ है। प्रतीक ये तो 3-0 की तरफ बढ़ रहा है कांग्रेस के पक्ष में, लेकिन बीजेपी अभी मान नहीं रही है, बीजेपी कह रही है अभी इंतजार कीजिए। हाँ तो फिर वो मानना भी वो ना मानने के ऊपर वाली बात है, अलग है कि मानेंगे थोड़ी देर में मानेंगे, लेकिन बात ये है कि जो चीजें हम वहां पे घूम के देख रहे थे, वहां जो चीजें हमको नजर आ रही थी और वो चीजें अब दिखाई पड़ रही हैं, और जैसा मैंने कहा था कि वहां पहले भी बोला छत्तीसगढ़ विल बी टफ फॉर बीजेपी, ये मैंने पहले भी कहा था कि जब बात हो रही थी और वो चीज सामने नजर आई, बहुत मुश्किल थी वहां पे। और लेकिन मध्य प्रदेश में मैंने कहा था कि बहुत कांटे की टक्कर होगी, बहुत कांटे की टक्कर होगी, और वो बिल्कुल सामने स्क्रीन पर दिखाई भी दे रही है मुझे और उस मैदान पे भी ऐसी खबरें आ रही हैं। और राजस्थान के बारे में प्रेडिक्शन जैसा सब लोगों का था वैसे ही नजर आ रहा है, तो मध्य प्रदेश में जहां तक सवाल है सबकी निगाहें मध्य प्रदेश में है कि होता क्या है, और अन्य वहां पे बड़े महत्वपूर्ण होंगे, और मैं कई ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज मुझे याद आ रही हैं, पाजी हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी हम दोनों लोग ये बात कर रहे थे कि कई जगह मुझसे लोगों ने कहा कि आप देखते रहिए, इवन भोपाल में मुझसे लोगों ने कहा कि आप देखते रहिएगा ये जो अन्य हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होंगे, और जब मैंने पूछा ये अन्य कहाँ के होंगे तो उन्होंने ये भी कहा था कि आप देखिए ग्वालियर डिवीजन जो है, मैं बार बार कहा मैंने कि ग्वालियर डिवीजन है 34 सीटें हैं, 8 जिले, 9 जिले हैं, और ये जो सीट है बहुत क्रिटिकल है, बहुत महत्वपूर्ण है, तो कहाँ कैसे
कूट करवट बैठेगा ये बात है। लेकिन आप इधर देखिए, जनता दिल्ली में देखिए जरा, ठंड है, बढ़िया मजेदार, लेकिन लोगों की निगाहें इस तरफ है कि क्या होगा। लग जा रहा है साहब, हाथ खोले, जरा हाथ खोल खड़े होइए, खड़े हो जाइए। अब तो सब हो गए चुनाव ना, तो बताइए क्या लग रहा है? नहीं, कांग्रेस ही रहेगी। कांग्रेस आएगी तो यही उम्मीद लग रही थी। उम्मीद है जी। बाबू जी क्या लग रहा था आपको? ये सब कारण किसान एंटी कंपेनेंसी है। बीजेपी ने किसान को बिल्कुल अंधेरा कर दिया। अच्छा, ये दिल्ली वाले, अच्छा ये दिल्ली वाले जो है ना, इनके पास पता नहीं कौन सा थर्मामीटर है। ये भोपाल की बात, जयपुर की बात, रायपुर की बात, यही से उंगली निकाल के देख लेते हैं टेम्परेचर कितना। दिल्ली में भी हर जगह के लोग हैं। बाबू जी तीनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी है तो ये एक्सपेक्टेड था या इसमें अभी कुछ? नहीं, पहले से था ये ऐसे है, बिल्कुल उम्मीद। मोदी ने बहुत गलत काम किया है, संविधान तोड़ा है, रिजर्व गवर्नर पर दबाव डाला है, सब जगह जगह। अच्छा, हाँ जी, ये कहिए जी। उमेश उपाध्याय। हाँ जी, फतेह जी बताइए। बहुत अच्छा नहीं है ये, क्या क्या ये क्या हो रहा है भाई? उल्टा हो गया तो भाई ये तो कुछ तो होता, चुनाव में तो कुछ भी हो सकता। आपको क्या उम्मीद लग रही थी? उम्मीद तो लग रही थी कांग्रेस ने की, उम्मीद लग रही थी तो ठीक रहा उनका कांग्रेस के आपसे। आइए साहब आइए, ठंड ज्यादा है क्या? कांग्रेस लग रहा था। हाँ लग रहा था। तो अच्छा ये बताइए, अब 2019 में इसका कोई असर होगा, फर्क पड़ेगा? नमस्कार। ये बदलाव नजर आ रहा है और बदलाव मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है, हर एक पार्टी को मौका मिलना चाहिए। 2019 में देखिए आगे क्या होता है। मतलब जो मोदी ऐसा जो ब्रांड था, वो जो चल रहा था वो देखिए, हर इंसान से कुछ गलतियां हो जाती हैं। मुझे लगता है कुछ गलतियां रीथिंग की प्रोसेस शुरू होगी। मे बी की प्रोसेस शुरू होगी। 2019 में मोदी की ही सरकार बनेगी, लेकिन यहाँ पे ये जरूरी था कि कांग्रेस की सरकार बननी थी, राजस्थान में बननी थी, क्योंकि वसुंधरा राजे एक महारानी की तरह रहती है, उन्होंने कभी कोई अच्छा काम नहीं किया। मैं राजस्थान से हूँ, शेखावटी जिले से बिलोंग करता हूँ, मैं खुद कहता हूँ कि उनको बड़ा क्रिटिकल इलाका है शेखावटी। बिल्कुल है साहब, मैं जानता हूँ, शेखावटी में घूम रहा था मैं, और वो इलाका जो है, और चाहते थे कि कांग्रेस बने और गहलोत मुख्यमंत्री बने। एक बहुत अच्छा किसान का बेटा है, बहुत अच्छा राजनीति के हर आदमी के काम आता है, बहुत अच्छा नेता है, और राजस्थान में बनना ही बनना था कांग्रेस। जी 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 जी। और भाई मुंह धो लिया कि ब्रश वश कर लिया कि भाई सीधे उठ के एकदम चुनाव देखने चले आए? मंजन करके आए हो ना? नमस्ते कैसे हैं? बस बढ़िया सर। अच्छा, आप तो लग रहा है हसीत बता रही कि आप कांग्रेसी हैं? नहीं सर, हाँ? हम बीजेपी हैं। ये तो गुगली हो गई। कांग्रेस को देते हैं। अच्छा बात भी है यार, ये मेरे लिए कांग्रेस ने काम किया था इसलिए। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बिहार के रहने वाले। जी साहब क्या लग रहा है साहब? सर ये पूरे देश को एक आईना दिख रहा है कि इस टाइम क्या होना चाहिए। ये बिल्कुल सही रुझान, इसी हिसाब से होना चाहिए पूरी कंट्री का। वो वहाँ जो स्टूडियो में विशेषज्ञ बैठे हैं, पंडित बैठे हैं, चुनाव पंडित बैठे हैं, जो सब बता रहे हैं इस चीजों को, अब वो देखिए साहब, मध्य प्रदेश 101-108 बड़ा कांटे की डबरी, 2020 से ऊपर निकल गया मैच क्या? सर मोदी मैजिक से छुट्टी मिली है, देश की जनता को मोदी मैजिक से छुट्टी मिली। अभी इस के बारे में कुछ भी कहना सही नहीं होगा जब तक 2019 का लोकसभा का चुनाव। मोदी का मैजिक बरकरार है आपके मुताबिक? बिल्कुल बरकरार है जी। मोदी का मैजिक बहुत दूर तक जाएगा। लोकसभा के चुनावों में बहुत ज्यादा अंतर होता है। ये बात नहीं है सर, मोदी का मैजिक खत्म हो गया। बिल्कुल बरकरार है। मोदी का मैजिक बरकरार है। मोदी का मुकाबला तो कोई कर भी नहीं सकता। मोदी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मोदी चुनाव। चले प्रतीक उधर कांग्रेस में देखिए, अब राहुल गांधी के लिए भी कुछ कहने के लिए उनको बन गया है, वहां पर पोस्टर निकल आया है राहुल गांधी के लिए। और क्यों ना हो, अगर ये तीन राज्य कांग्रेस यहां पर तीन राज्यों में सरकार बनाने में कामयाब हो जाती है, मध्य प्रदेश में अभी थोड़ा सा ही फासला रहता है, लेकिन अगर तीन राज्य इनमें कामयाब हो जाती है तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा दिन है। रवि सिंह वहां पर मौजूद है कांग्रेस दफ्तर में, देखिए वो क्या देख रहे हैं। कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड की ये तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि एक बड़ा सा होर्डिंग लगाया गया है जिसमें लिखा है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक विजय, और तमाम कांग्रेस के नेताओं के फोटोग्राफ भी इस्तेमाल किए गए हैं। यानी कि ये होर्डिंग पहले से ही तैयार किए गए थे, बनाए गए थे, और यहां पर 24 अकबर रोड कांग्रेस मुख्यालय के सामने ये होर्डिंग अब लगा दिए गए हैं। जिस तरीके से लगातार रिजल्ट और चुनाव के रुझान सामने आ रहे हैं, कांग्रेस में सेलिब्रेशन और खुशियों का माहौल है। कैमरामैन विमल कुमार के साथ रवि सिंह, दिल्ली, न्यूज 18 इंडिया।
यानी कि कांग्रेस में इतना कॉन्फिडेंस तो आया कि पहले से होर्डिंग छाप के रखी थी विजयी होने की, इतना कॉन्फिडेंस तो था रामकृपाल जी उनके अंदर? नहीं, बिल्कुल था। और शुरू से देखिए एक बात तो लग रहा था कि कांग्रेस गेन करने जा रही है, लेकिन सत्ता तक पहुंच जाएगी तीनों राज्यों में, इस पे आशंका थी। हालांकि एग्जिट पोल करीब करीब यही रुझान दे रहे थे, लेकिन एग्जिट पोल ने जो फाइट बताई थी छत्तीसगढ़ में, वैसी फाइट तो बिल्कुल नहीं है, क्लियर जीती है कांग्रेस। एक दो ने तो ये बताया था कि कांग्रेस को किसी एग्जिट पोल ने बहुत क्लियर कट 50 के ऊपर भी दिया था, ऐसा नहीं है। बट सारा एग्जिट पोल का लबोल हुआ भी था कि बीजेपी के लिए मुश्किलें हैं यहाँ पर। लेकिन जैसा कि कह रहा हूँ, अभी भी मध्य प्रदेश ऐसा है कि फाइनल मध्य प्रदेश में क्या आता है, अभी दो राउंड का हुआ है, डिफरेंस कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, 11 वहाँ निर्दलीय हैं जो भी है। अभी कितने का डिफरेंस है, 8 या 9 सीट का डिफरेंस है सिर्फ, अभी 9 सीट का फर्क है, और 9 सीट का फर्क यहाँ पर है, और 6-7 सीट और चाहिए कांग्रेस को बहुमत की तरफ बढ़ने के लिए। हमारे साथ बहुत खास मेहमान यहाँ स्टूडियोज में जुड़ गए हैं, एक तो जनता हमारे साथ, दिल्ली की जनता यहाँ पर जुड़ी हुई है, इन सबका स्वागत करते हैं और इन नतीजों का स्वागत करेगी जनता भी। और हमारे साथ प्रताप फौजदार जी जुड़ गए हैं, जो इस मंच पर वैसे उधर बैठा करते हैं लेकिन आज ऑडियंस में बैठे हैं, लेकिन काम वही करेंगे प्रताप जी ना? नहीं, कहीं भी बैठा दो, हमें तो काम वही करना है। हाँ, आपको तो लपेटना ही है। तो हमारे साथ चिराग जैन है, हमारे साथ कवि गौरव चौहान है, और हमारे साथ सुदीप भोला है कांग्रेस से, हमारे साथ इस वक्त अभय दुबे जी जुड़ रहे हैं। दुबे जी, स्वागत है आपका और मुबारकबाद आपको। जी धन्यवाद। अब भाजपा लपेटे में है आज। अरे क्वेश्चन कर नहीं, अरे हर क्वेश्चन है यार। सर मिजोरम, मिजोरम को लेकर के सर एक साथ कर लो ना, बता रहा हूँ जी। गौरव चौहान कांग्रेस के स्वागत में कविता पढ़ रहे हैं। जिस तरह मध्यप्रदेश में उलटफेर हो रहा है, अब की बार मुझे ये लग रहा है कि कहीं अब की बार बीजेपी ना कहे कि ईवीएम हैक हो गई थी। इसलिए मैं तो कहता हूं बीजेपी वालों, आजा प्यार से ईवीएम खोले, प्यार से जय जय डेमोक्रेसी बोले, बीजेपी लगती है पस्त, ऐसी एक्ट कर गया ध्वस्त, शिवराज राजे डूब रहे, जनता ये कहे पहले से ही लंबी लंबी फेंकने का नहीं, कांग्रेस जीत जाए तो फिर चौंकने का नहीं, खाली पीली फेंकने का नहीं, जीत को प्यार करो, हार स्वीकार करो, एक दूजे के बाल नोचने का नहीं। और इसमें ताली आए बीजेपी वालों, आंसू घर आए तो फिर पहुंचने का नहीं, कांग्रेस जीत जाए तो फिर सोचने का नहीं, यही तो प्रजातंत्र है। तो कांग्रेस आ रही है भाई, स्वागत है। अरुण सिंह जी अभी भी नहीं मान रहे हैं। अरुण सिंह जी हमारे साथ थे, वो अभी भी नहीं मान रहे हैं कि भी राउंड कुछ खत्म हो जाने दीजिए। सुदीप बोला जी, मैं तो जी चार पंक्तियों से स्वागत करता हूँ, और चार पंक्तियाँ ऐसी हैं, मध्य प्रदेश से आता हूँ, कि पतंगों की लड़ाई में है खेचम तान मंजे की, पतंगों की लड़ाई में है खेचम तान मंजे की, शिकारी हो कोई आदत है जनता को शिकंजे की, सुबह से भाजपा दफ्तर की बिजली गुल है एमपी में, सुबह से भाजपा दफ्तर की बिजली गुल है एमपी में, मुझे शक हो रहा है आ गई सरकार पंजे की। अबे जी, बिजली सड़क पानी अब ठीक ठाक रहेगा इस बार जी? हो गई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों में बिजली भले ही नहीं हो, मगर झटके उनको बरोबर परिणामों के लग रहे हैं तीनों राज्यों में। यार वेरी गुड। और जो और जो हाल जनता का किया है, मोदी और राज्य की भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने मिलकर, उसी का प्रतिसाद है जो आज भोगना पड़ रहा है उनको। आछे दिन पाछे गए, किया ना हरी से हेत, अब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, जब प्रचंड बहुमत था, जब जनता के लिए काम करना था, तब तो उनकी सुध नहीं ली, सिर्फ विज्ञापनों में दिखाई देते थे और लोग समस्याओं को लेकर ज्ञापन लिए खड़े रहते थे।
तो अब उसके परिणाम भोगने के लिए भारतीय जनता पार्टी को तैयार रहना चाहिए। और दूर क्षितिज पर जो सूर्य उदित होते हुए दिखाई दे रहा है वो राज्यों के और देश के विकास का है, जिसकी कमान कांग्रेस पार्टी को देश की और प्रदेशों की जनता ने सौंप दी है। अब पराभव आज से प्रारंभ होगा, केंद्र की मोदी सरकार का भी ये उनको ख्याल रख लेना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, अब तो काफी करीब पहुंच रही है कांग्रेस बहुमत के, अब तो प्रोजेक्शन पे नजर डालने की भी जरूरत नहीं है, अब रुझानों में ही काफी आगे बढ़ चुके हैं हम। नीचे हम तो ये गुजारिश करेंगे कि नीचे की पट्टी में भी हम फैक्टर्स ही देखना शुरू हो जाएं। ये कांग्रेस खुश तो है, लेकिन एक चीज ऐड करना चाहूंगी, अगर हम तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पर प्रयोग किया गया था, चार पार्टियां एक साथ आई थी, पीपल अलायंस नाम का गठबंधन था, लेकिन कांग्रेस यहाँ पर पिछड़ती हुई नजर आ रही है क्योंकि चंद्रबाबू नायडू की नजर 2019 पर है। तो ये प्रयोग जो है कांग्रेस का कम से कम तेलंगाना में असफल हो रहा है। किशोर, आपने अभी फैक्टर्स की बात की, नक्सल प्रभावित जो इलाके थे 90 सीटें छत्तीसगढ़ की, उनमें 35 थे जिसमें से कांग्रेस को 28 सीटें मिली है जिसमें 10 का फायदा होता दिख रहा है, और बीजेपी को 11 सीटों का नुकसान हो रहा है और 5 सीटों पर ही वो जीत दर्ज कर पाई है। तो ये छत्तीसगढ़ में तो हर वो क्षेत्र हर वर्ग से आप देखें तो ज्यादातर सीटें कांग्रेस के पक्ष में जा रही है, तभी इतना बहुमत मजबूत होता जा रहा है। राजस्थान में भी यही हाल है, लगभग जीत रही है कांग्रेस, लेकिन एक चीज जो बीजेपी के लिए थोड़ी बहुत ठीक है, क्योंकि शहरों में कहा जाता है कि बीजेपी का दबदबा है, वहां ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, कांग्रेस ज्यादा गेन नहीं कर पाई, लेकिन बीजेपी ने थोड़ा बहुत नुकसान के साथ कम से कम शहरों में तो अपनी लाज बचाई ली है। कांग्रेस 101 पर है राजस्थान में, 101 वो बहुत बड़ा बहुमत ऐसा नहीं है जैसा माना जा रहा था, बल्कि काफी अच्छी फाइट दे दी है राजस्थान में भी बीजेपी ने। अमिताभ, बिल्कुल राजस्थान में यही सम्मान की लड़ाई, बार बार जो बीजेपी के नेता कह रहे थे कि सम्मान की लड़ाई लड़नी है, वही पिछले एक महीने से यही कवायद चल रही थी। तो वो सम्मान की लड़ाई जब वो सम्मान की लड़ाई कह रहे थे, वो कह रहे थे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तो जीत रहे हैं, यहाँ पे सम्मान की लड़ाई है, लेकिन वो दोनों वाले हार गए। इसलिए सम्मान इसलिए कि अगर एक महीने मेहनत नहीं की होती तो शायद 25-30 सीटों में सिमट गए होते। अब जो सीटें आई हैं कम से कम इज्जत के साथ खड़े तो हो सकते हैं, 74 सीटें आ रही हैं। 113 पर बढ़ रही है कांग्रेस रुझानों में मध्य प्रदेश के, और मिजोरम की सरकार हालांकि चली गई। प्रताप जी, कांग्रेस से कुछ कहना है आपको या बीजेपी से? बीजेपी अभी है नहीं। मुझे तो बीजेपी से ही कहना है सर। हाँ, और मैं बीजेपी से ही कहता आया हूँ। कि नया नया नाटक 14 में शुरू हुआ था, धीरे धीरे पूरे देश में प्रक्षेप हो गया, और नाटक के संवाद बड़े ही लुभावने थे, जनता को भी भा गए तो सापेक्ष हो गया, के घिस गए संवाद पिट गई कलाकारी, बढ़िया अच्छा है, घिस गए संवाद पिट गई कलाकारी, नया कुछ भी नहीं था ये आक्षेप हो गया, और फाइनल क्लाइमेक्स के लिए अब क्या बचा है, सेमी फाइनल में ही पटाक्षेप हो गया। बहुत अच्छे, बढ़िया, बहुत अच्छे। जनता यहाँ पर मौजूद है हमारी, आपने जो सेमीफाइनल और फाइनल की बात की, तो 2019 ये सब देख के आपको क्या लगता है 2019 में बीजेपी फाइट दे पाएगी? हाँ, फाइट दे पाएगी। कैसे? ये तो यहाँ 3 राज्य हार गए अपने। नहीं, 3 हैं तो 32-33 राज्य, 29 राज्य हैं, बाकी 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। डेफिनेटली फाइट देगी बीजेपी, इसका कुछ असर नहीं पड़ने वाला, असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ लोकल मुद्दे होते हैं। उधर खबर आ रही है पीएम मोदी ने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है, चुनाव के नतीजों के बाद ये बैठक है, इसका क्या मतलब निकाला जाए अमिताभ से समझते हैं। किशोर, अगर मैं सही हूं तो मैं बता दूं, प्रधानमंत्री आज संसद पहुंचे हैं, संसद का पहला दिन है, और उस दिन वो अपने तमाम वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठते हैं, तो वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठकर वो चर्चा कर रहे होंगे कि संसद कैसे चलना है, और जो चुनाव के नतीजे हैं उस पर चर्चा हो रही होगी। और जहां तक बीजेपी की बैठक की बात है, 13 तारीख को अमित शाह ने एक बड़ी बैठक बुलाई है जिसमें पार्टी के सारे राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठकर चुनाव के नतीजों पर मंथन करेंगे। और चुनाव के नतीजों पर मंथन इस बार कुछ सीरियस वाला होने वाला है, हालांकि यहाँ पर साहब जो बैठे हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, क्यों, ये इनसे कोई मतलब नहीं है इसकी, ये 2019 में तो जीत ही जाएंगे। मेरा कहना ये है, आज के रुझान देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि पप्पू पास हो रहा है, और बीजेपी को अगर पास होना है तो मंदिर बनवा दे, अभी भी मौका है, नहीं तो गए काम से। जी, ये एक इन्होंने कहा, राहुल गांधी पर पर्सनल हमले बहुत हुए, क्या वो इतने पर्सनल हमले होते होते वो बड़े नेता बना दिए गए उन पर्सनल हमलों से? देखिए किशोर जी, अभी भी ये एक बात बता दूं आपको, ये व्यक्तियों की लड़ाई नहीं रही है। अभी भी जो लोग समझ रहे हैं, गलतफहमी होगी कि कोई व्यक्ति के लिए वोट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, मोदी की पॉपुलरिटी कोई कम नहीं हुई थी, राहुल की कोई बढ़ नहीं गई। मैं फिर आपको कह रहा हूँ, कल एक नेता ने बताया था
प्याज नासिक की सड़कों पर फेंका जा रहा है। ये समस्या किसी पार्टी के सत्ता में आने से तुरंत तो नहीं दूर होगी, लेकिन ये तय है इस देश में पॉलिटिकल पार्टीज के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। 70 साल से किसानों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा था, अब वो किसान जो बहुत सब्र करता था, जो दाहिना हाथ था, सबको सलाम करता था, उस किसान का बेटा बायां हाथ है, रिबेलियन है, वो किसी को सलाम नहीं करता है, वो पलट देता है सत्ता को। और मैं बता दूं आपको, ये एग्रेरियन रिफॉर्म, ये एग्रेरियन अनरेस्ट है, किसानों का गुस्सा है, कश्मीर से कन्याकुमारी और कामरूप से कच्छ तक, इसमें सरकारें पलट जाएंगी, मैं बता रहा हूं आपको। और अगर अभी भी समय है, आते समय अगर 2019 के पहले किसानों के लिए कुछ नहीं किया गया तो बहुत कुछ देश में पलट जाएगा। खैर, अरुण सिंह हमारे साथ फिर जुड़ गए हैं बीजेपी से। अरुण जी, अब तो कुछ राउंड और हो गए, अभी भी कुछ मामला पलटा नहीं है, तीनों राज्यों में कांग्रेस ही आगे है। नहीं नहीं, देखिए, एक दो चैनलों में भी भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में अधिक दिखा रहे हैं, और मध्य प्रदेश में आप मान के चलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जितना शिवराज सिंह चौहान जी ने किसानों के लिए काम किया पिछले 5 सालों में, एग्रीकल्चर ग्रोथ जो है 20% से ऊपर है और इंडस्ट्रियल ग्रोथ 4% है। कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय एग्रीकल्चर ग्रोथ जो है वो प्रोडक्शन की है ना, वो उसका दाम नहीं मिल रहा है। सारे दिक्कत तो वही है, प्रोडक्शन तो हो रही है लेकिन उसका दाम नहीं मिल रहा है किसान को, ये समस्या है। एग्रीकल्चरल ग्रोथ का आंकड़ा जो देते हैं तो प्रोडक्शन का आंकड़ा है। नहीं नहीं, केंद्र सरकार ने देखे MSP का भी 1.5 गुना दाम ऐतिहासिक किया है, वो ऐतिहासिक फैसला लिया। मिल नहीं रहा ना वो, मिल नहीं रहा काफी। नहीं नहीं, मध्य प्रदेश में चीजें खरीदी जा रही, जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उनका अगर देखा जाए तो सबसे अधिक अगर उनकी खरीदी अच्छी तरीके से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में हो रही है। देखिए, जहाँ मैं अभी तक का जो आंकड़े आ रहे हैं ना, उनमें 54 सीटें ऐसी थी, कुछ लोग मध्य प्रदेश के आंकड़े हमारे सामने स्क्रीन पर हैं। देखिए, इस आंकड़ों से मत आके, कुछ लोग शुरू से निगेटिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं। किसानों के लिए शिवराज सिंह चौहान जी ने इतना अधिक काम किया, लेकिन कुछ लोग मिल करके जो निगेटिव पॉलिटिक्स करना, सड़कों पर टमाटर फेंक देना, सड़कों पर प्याज फेंक देना, यह निगेटिव पॉलिटिक्स होती है। लेकिन जिस प्रकार से शिवराज सिंह चौहान ने काम किया मध्य प्रदेश में, वैसा आज तक किसी राज्य में बहुत अधिक नहीं। अरुण जी 54 ऐसी सीटें जहां किसान आंदोलन हुए, जहां किसान आंदोलन हुए वो 54 सीटों का इलाका है, उनमें से 28 पे आप आ गए, 25 पे कांग्रेस आ गए। लेकिन बड़ी बात यह है कि कांग्रेस वहां +16 है, 16 सीटें उसने आपसे छीनी है उस इलाकों में, 17 सीटें आपसे छीनी है उन इलाकों में, तो नुकसान तो आपको हुआ है। देखिए 15 साल से हमारी सरकार वहां पे है, काम बहुत किया, जो जानकार है वह स्टडी करके जो बता, आपको भी बता सकते हैं कि कितना परसेंट एग्रीकल्चर जो हमारे जमीन थी उसकी सिंचाई का रकबा बढ़ाया, सिंचाई का साधन दिया, और किसानों के लिए सबसे अधिक काम करने वाला हुआ है, उसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, खरीदी भी हो रही है, मंडी के माध्यम से उसकी खरीदी भी हो रही है। अब तो और तो और ऐतिहासिक फैसला लेकर के माननीय प्रधानमंत्री, लेकिन मैं कह रहा हूँ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, नतीजा पूरा आने दीजिए, आप देख लीजिएगा। चलिए, वो हम उसका इंतजार करते हैं, अभी तो कांग्रेस उस तरफ आगे बढ़ रही है। अभय जी, अभी जी जी बोले जी। अरुण सिंह जी को देखना चाहिए। अभी प्रभात झा साहब को राज्यसभा में जवाब दिया है मोदी सरकार ने कि मध्य प्रदेश की एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 17-18 में 1.38% रह गई है। ये एक बात करते हैं प्रिक्योरमेंट की, तो खरीफ सीजन में मध्य प्रदेश में 1,03,000 किसान है साहब, सिर्फ 2.86 लाख किसानों से खरीफ की फसलों का प्रिक्योरमेंट हुआ है और 7.6 लाख किसानों से रबी की फसलों का प्रिक्योरमेंट हुआ है। अभी किसानों ने धान बेचना बंद कर दिया है। मंदसौर में जिस दिन प्रधानमंत्री जी सभा ले रहे थे वहां 2,000 गाड़ियां मंडी में खड़ी थी, प्याज 50 पैसे किलो किसानों ने बेचा और कहा कि इससे हम जहर की पुड़िया खरीद कर खाने वाले हैं। ये हाल है मध्य प्रदेश का, किसान फसलों के दाम मांगने आए तो सीने में 6-6 किसानों के गोलियां उतार दी और क्लीन चिट दे दी हत्यारों को। आप देखिए, आपकी 10 दिन में कर्ज माफ, हमने कह दिया है किशोर जी, पहले 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ, बेटियों को इंसाफ, उद्योगों की तरक्की, युवाओं की नौकरी पक्की, आदिवासियों की उम्मीद और गरीबों की जीत का शासन कांग्रेस पार्टी का मध्य प्रदेश में होगा, राजस्थान में होगा। अभय जी, मैं रामकृपाल बोल रहा हूँ।
बधाई हो आपको। ये परिणाम मोदी सरकार के खिलाफ भी है किशोर जी। मोदी सरकार की जो नीतियां हैं, नोटबंदी से लोग बहुत आहत हैं, जीएसटी से आहत हैं, 22 लोग। ये परिणाम आप कह रहे हैं कि शिवराज सरकार के खिलाफ नहीं है, मोदी सरकार के खिलाफ है। परिणाम परिलक्षित हो रहे हैं, दोनों के खिलाफ हैं। आप पता करिए, लोगों से बात करिए। जो ट्रेडिशनल वोट था भारतीय जनता पार्टी का, वो भी डाइवर्ट हो गया। जो छोटे छोटे काम करने वाले लोग थे, उन लोगों ने भी मन बदल लिया है। हम लोगों से व्यक्त किया उन्होंने कि हम बहुत। रामकृपाल जी का आवाज, रामकृपाल जी का सवाल सुन लीजिए। अभय जी नमस्कार, बधाई हो आपको। मैं एक सवाल पूछ रहा था अभी, आपने कहा है कि बधाई आपको रामकृपाल जी। 50 पैसे किलो प्याज किसान वहां बेच करके कह रहा था कि जहर की पुड़िया खा लूंगा। तो समस्या जितनी चीजें आपने बताई वो नहीं है। सवाल इस बात का है, नहीं नहीं, मैं चीज पूछ रहा हूँ, क्या आप ये सुनिश्चित करेंगे कि प्याज और धान गेहूं, इनके जो मूल्य समर्थित मूल्य हैं, या आप उनका बढ़ाएंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि किसान को सारा उसका माल सरकार खरीदे या उसको पूरा पैसा दे। ये बात है माल खरीदने की। कर्जा तो आप माफ कर देंगे, कर्जा माफ करने से बहुत। सुनिए, रुकते हैं, प्रधानमंत्री क्या बोलने आ रहे हैं वो सुन लेते हैं। नमस्कार साथियों, शीत सत्र में आप सबका भी स्वागत है। ये सत्र महत्वपूर्ण है, सरकार की तरफ से कई महत्वपूर्ण विषय जो जनहित के हैं, देश हित के हैं, और सभी का ये प्रयास रहे कि जितने अधिकतम काम हम जनहित का कर पाएं, लोकहित का कर पाएं, देशहित का कर पाएं। मुझे विश्वास है कि सदन के सभी सदस्य इस भावना का आदर करते हुए आगे बढ़ेंगे। हमारा निरंतर प्रयास रहा है कि सभी विषयों पर चर्चा हो, खुलकर के चर्चा हो, तेज तर्रार चर्चा हो, तीखी तमतमती चर्चा हो, लेकिन चर्चा तो हो, वाद हो, विवाद हो, संवाद तो होना ही चाहिए। और इसलिए हमारी ये गुजारिश रहेगी, हमारा आग्रह रहेगा कि ये सदन निर्धारित समय से भी अधिक समय काम करें, सारे महत्वपूर्ण विषयों को नतीजे तक पहुंचाएं, चर्चा करके उसको और अधिक सार्थक बनाने के लिए, और अधिक मजबूत बनाने के लिए प्रयास हो। और मुझे विश्वास है कि सभी राजनीतिक दल जो मई महीने में कसौटी पर कसने वाले हैं, तो जरूर जनता जनार्दन का ध्यान रख करके इस सत्र का सर्वाधिक उपयोग जनहित के लिए करेंगे, दल हित के लिए नहीं करेंगे। इस विश्वास के साथ मेरी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। तो अभी आप देख रहे थे ये सीधा प्रसारण, जहां प्रधानमंत्री ने एक अपील की सभी से। तीनों राज्यों में कांग्रेस को बहुमत, अभी खबर ये है। प्रधानमंत्री जाहिर सी बात है पार्लियामेंट में बोल रहे थे, तो पार्लियामेंट के सेशन के बारे में उन्होंने बोलना था, कोई संकेत की अगर कोई उम्मीद कर रहा था तो वो संकेत भी नहीं मिला कि उनका इन नतीजों पर क्या रुख है। हाँ, बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट दिखी, जो दिखती है हमेशा प्रधानमंत्री की, और वो सिर्फ सेशन पे ही बोलकर चले गए। लेकिन इधर तीनों राज्यों में रुझानों में कांग्रेस को बहुमत दिख रहा है, 3-0 दिख रहा है। तो रुझान में तो कांग्रेस को बहुमत वहाँ भी एक बार दिखा था। नहीं, अब एक बार नहीं, अब तो काफी देर हो गया। गुजरात में भी रुझान नहीं, कांग्रेस को बहुत बहुत टाइट फाइट थी। भाई देखो, रुझान पे आप हमको कमेंट मत कराओ, हम पोस्टल बैलेट वाले आदमी पता लगा कि रुझान पे हम भाषण दे दें और बाद में सब उल्टा हो जाए। बहरहाल ये एक सिग्निफिकेंट मामला है, इसमें ये जो रुझान हो, जीते हारे, लेकिन जो सीटें जो हैं, जिस तरह से इन जहाँ पे कि एकदम सुपड़ा साफ था, मैंने 3/4 मेजोरिटी थी बीजेपी की राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में भी। पर राजस्थान में आप देखिए अभी भी कांग्रेस 100 पर है, मतलब बिल्कुल बस थोड़ा सा ही बहुमत है। इसीलिए तो उसकी मैं गुजरात की बात कर रहा था। लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट, इवन इफ कांग्रेस तीनों हार जाती है, तो
फर्ज करिए फॉर ए मोमेंट, लेकिन जो राहुल गांधी के बारे में जो अब बीजेपी के बता अरुण सिंह हैं कि नहीं इस पर, इन लोगों ने जो पिछले 3-4 साल में जो मुसलसल कैंपेन चलाया था उसको पप्पू और उनको क्या क्या नहीं कहा था, तो मुझे लगता है राहुल गांधी का इमरजेंस जो है अब उसको मैंने हम लोग भी चाहें मीडिया ने बड़ा कोशिश की कि राहुल को पप्पू सिद्ध किया जाए, तो मुझे लगता है कि अब हम लोग भी नहीं कर पाएंगे। राहुल अब एक नेता के रूप में, और आप ध्यान रखिएगा कि राजीव गांधी के तो प्लेटर पर पकड़ा दिया गया था, इंदिरा गांधी को उनके बाप की वजह से मिला था, और ये आदमी तो डिफरेंट होने जा रहा है। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को राहुल गांधी का इवोल्यूशन एज ए पॉलिटिशियन पर भी चर्चा करनी होगी, और इस इलेक्शन का सरकार किसकी बने न बने इररिलेवेंट है, लेकिन ये राहुल गांधी को लल्लू से लेके पॉलिटिशियन बनाने तक का श्रेय किसको जाता है, इस पर बहस की जानी चाहिए। चलिए वो शायद शाम की बहस होगी, लेकिन अभी नतीजे जरा देख लें। बहुत ही दिलचस्प है मामला, 116